हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपकी एक्सरसाइज है 3.3। 3.3 में तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन में दिया गया है क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए दिया गया चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज है। कंडीशन दी गई है तीन कंडीशन, इसमें चेक करना है किस कंडीशन में ये दिया गया चतुर्भुज क्या है समांतर चतुर्भुज है। कैसे पता करना है हमें डिफिनीशन बताई गई समांतर चतुर्भुज की, डिफिनीशन बताई गई है समांतर चतुर्भुज के गुण बताए गए हैं। अगर उन गुणों में से कोई भी गुण अगर ये चतुर्भुज फॉलो करता है तो हम फाइनली कहेंगे दिया गया चतुर्भुज क्या है समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले आप देखिए क्या दिया गया है। ये पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कोण डी और प्लस कोण बी इक्वल टू कितना है 180। क्लियर ना। अब देखिए क्या हो सकता है बी प्लस बी देखिए ये होता है आपके ये होते हैं बी और डी कौन से कोण है सम्मुख और सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यदि आपस में बराबर हैं तो क्या होता है वो 180 के बराबर भी हो सकते हैं। ये भी 90 हो सकता है ये भी 90 हो सकता है दोनों को ऐड कर दें कितना होगा 180 के बराबर। लेकिन क्या होगा ये हर कंडीशन में सत्य नहीं होगा। क्लियर। लेकिन हाँ यहाँ पे ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हाँ ये ना ये क्या है समांतर चतुर्भुज। क्लियर। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या आती है बी वाले पार्ट में आप देखिए दिया गया है ए बी और बराबर कितना दिया गया है बी सी इक्वल टू कितना है 4 और ए डी इक्वल टू कितना है 4 और आपका बी सी कितना दिया गया है 4.4। इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर क्या है सी डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ये तो सही है ए बी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए ए डी ये कितना दिया गया है 4 और कितना दिया गया है 4.4 ये इसके बराबर नहीं। आपको मालूम होगा कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर इसलिए इसका जो आंसर क्या होगा ये हो जाएगा आपका नहीं। इस कंडीशन पर ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं। क्लियर। आगे देखिए दिया गया है कोण ए तीसरा कोण ए बराबर कितना है 70 और कोण सी बराबर कितना होता है कोण सी बराबर कितना है 65। ठीक है ना ए और सी ये ना समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि कोण ए बराबर कितना होता है कोण सी। कंडीशन क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया ए बराबर 70 है और सी बराबर कितना दिया गया 65 यानी क्या है ये आपस में बराबर नहीं इसलिए इस शर्त पर यह समांतर चतुर्भुज नहीं। इसका आंसर जो होगा क्या हो जाता है नहीं। क्लियर। थैंक यू।